कैसर भाई ये बताइएगा, आप तो बहुत पोलाइट इंसान है, पिछले दिनों कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहा जा रहा है कि वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था। नहीं 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 नहीं, मैं अल्लाह को जान दे रही है, खुदा की कसम, हमारा जो मुज़ाकरात है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि मेहमान को हम बिठा के ये तो नहीं ना कह सकते आपने ये कहना आपने ये कहना आपने, हमारा प्रोग्राम जो होता है एक घंटे या सवा घंटे में फ्री हो जाते हैं, ठीक है। वो लड़की ने अपनी तरफ से बात की तो मैं कॉमेडियन हूँ, मैंने मज़ाक में एक बात कर दी थी, लेकिन वो बहुत गलत बात थी। अच्छा, मैं अगर अकेला वो बात करता ना तो इतनी वो टची बात ना होती, क्योंकि मैंने काफ़ी मरतबा शफाक भाई मैंने ये बात की है कि बाहर लोग आते हैं ये वो फलां, लेकिन वो जो लड़की की बात के साथ अटैच हो गई ना बात, वो वाशरूम वाली बात, वो बड़ी गलत बात थी। तो वो गलती इंसान से होती है, मैंने माजत की, तो मैंने जानबूझ के तो बात की ही नहीं थी, और लोग समझ गए, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ख़ानदानी लोग हैं, वो इस बात को समझ गए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात, सॉरी आपकी बात कंप्लीट नहीं है, कि आपने फ़ौरन फील की बात और फ़ौरन माजरत की, और एक दफ़ा नहीं सारे सोशल मीडिया पर, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने माजरत की। मैं ना अगर कोई और मेरी जगह फनकार होता ना शायद वो सामना ना कर पाता, मैंने लोगों की गालियों का सामना किया शफाक भाई, मैं लाइव बैठना शुरू हो गया, मुझे सब कहते लाइव ना हो, आपको गालियाँ दे रहे हैं लोग ये वो फला, मैं कहा नहीं मैं लाइव आऊँगा, मैं जब तक इनको मुतमिन नहीं करूँगा मैं सामना नहीं करूँगा। अगर मुझ पर बुरा वक्त है, सब मेरी फील्ड ने मेरा साथ दिया, सब लोगों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो थोड़े से मसलन ख़िलाफ़ थे, थोड़े से मेरे पे खुश थे, मेरे ताल्लुक था जिन, उन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैंने सामना किया ऑडियंस का, मैं लाइव बैठ के उनसे मैंने बार बार माजरत की, और अलहम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मेरी माजरत कबूल कर ली। बड़े लोग कहते हैं कि बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को मान ले और माजरत कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं गलत था उसमें, ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं ये नहीं था, मैंने गलत बात की थी, किसी की दिल आज़ारी करना वो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने किसी इंसान को नाराज़ किया तो आपने अल्लाह पाक को नाराज़ किया। तो पहले मैंने अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी तहज्जुद में नमाज़ें पढ़ के, उसके बाद मैंने जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं लोगों से माफ़ी मांगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अब वो मुझसे पहले एक गुना प्यार करते थे, अब 10 गुना प्यार करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा काम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।